तो दीपली ले गई है भट्ट, आज हो रही है भट्ट की मड़ाई। सबसे पहले सभी को प्यार और पैलाक, मैं दीपा जलाल, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपा जलाल ब्लॉग्स में। तो सुबह का टाइम, सुबह आज से नवरात्रि शुरू हो गई है, तो नवरात्रि की आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएँ। आशा करते हैं नौ देवियाँ आपकी रक्षा करें जो भी काम करते हैं, माँ नव दुर्गा आपकी मनोकामना पूरी करे। तो आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो मेरी भट्ट की मड़ाई हो रही है, यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने भट्ट पूरे खेत में। हाय, तो आज भट्ट की मड़ाई करनी है। वैसे भट्ट सूखे तो नहीं थे, लेकिन मौसम दिखाती हूँ, तो चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, कोहरा जैसा आसमान दिख नहीं रहा है। तो यहीं पे है मेरा टमाटर का खेत, यहाँ पे लाई हूँ मैं कट्टा और बाल्टी टमाटर तोड़ने के लिए, लगे हाथ फिर बारिश होगी तो टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे आ चुके हैं अंकित, अंकित जलाल, पहली बात तो अंकित फौज में भर्ती हो गया है अग्निवीर में, अंकित को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ कहना चाहेगा, कब तक जा रहा है, क्या जा रहा है? 25 तारीख को जा रहा है, फिलहाल आया था ये बेलपत्री तोड़ने। आज इनके घर में पूजा है शायद ना, पार्टी पूजा। तो ये है टमाटर का खेत, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे टमाटर हुए हैं मेरे, इतने तो मैंने तोड़ दिए थे नीचे। और टमाटर जो है खेत में ही पका है, तो बहुत टमाटर पके हुए हैं। तो टमाटर तोड़ने में मुझे लेट हो गया था, काफ़ी टमाटर यहाँ पके हुए हैं, सुंदर सुंदर अच्छे लग रहे हैं, तो फिलहाल तोड़ती हूँ। और टमाटरों के गुच्छे, तो ये टमाटर पूरा पक गया है, पकने के कगार में आ गया है, मतलब ये ऐसे गुच्छे लटके हुए हैं, सब तोड़ने हो रहे हैं। तो बाल्टी मैंने भर दी है और ये है कट्टा, इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैंने एक कट्टा टमाटर का तोड़ दिया है, बाकी टमाटर आप देख सकते हो बहुत लगे हुए। मौसम हो रहा है बारिश वाला, तो एक कट्टा काफ़ी है आज के लिए, बाकी कल तोड़ूंगी टाइम होगा तो। और फिलहाल लगा रहे हैं हम भट्ट का गट्टा, तो ये है भट्ट का गट्टा। तो टमाटर का कट्टा ले गया है विजय, और मैंने ले जाना है भट्ट का गट्टा। तो जैसे आंगन में भट्ट की मड़ाई कर रहे थे, भयंकर बारिश, ठंडा हो गया, धूप देखी और हो गया मैंने, तो दिखाते हैं मौसम। तो ये है बारिश, यहाँ पे मैंने भट्ट ठोक दिए हैं, सारे कपड़े यहाँ उठाती हैं, बहुत ही ठंडा हो रहा है, बकरी को भी ठंडा हो गया है। तो मेरा तो व्रत है, इसके लिए बना दिया मैंने खाना, चावल और झोली भात, मतलब झोली भात बनाया है। ये है सब्जी थोड़ी, और ये बनी मेरी झोली। चावल तो मैंने बना दिया है, तो अभी जा रही हूँ मैं खेत में। किसी का जवाब आया था कि तेरा केला पकने के लायक हो गया है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ, ये मेरे अभी मेरे को देखे हैं ये, मैं जाऊँगी तो सीधे मेरे पीछे आएंगे। तो कल मैंने आलू लगाए थे, कट्टा गोबर का भी भर दिया है, महंगा गोबर ले जाऊँगी। और बंदरों का आतंक ऐसा हो रहा भाई, जगह जगह बंदर बैठे हैं, अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पोथलू को ये कुछ ना कुछ, ये देखो भाई, ये तुम ना, ये मैं मारूंगी, आप तुम बैठना, बंदर आएंगे तो वहाँ छुप जाना, हाँ हाँ छुप जाना है। अब घर जो रहूँ उनका खाल तो करो, खेत में जो जाओ, तो मैं जाती हूँ, चल तो खेलू करना है बाबू, चलो तो जाती हूँ खेत में, खेत में ही मिलती हूँ, देखती हूँ केला हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बंदर कूद मार है, तो ये बकरी जो है मैं डर रही,
तो पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में केला काटने। यहाँ पे मिला है मुझे एक तुरई डून, यहाँ पे झाल था, छोटे छोटे हो रहे, अभी बड़े नहीं हो रहे, तो मैंने कहा इसको तोड़ लेती हूँ। बाकी केले का पेड़ भी खाती हूँ। और पसीना आप देख सकते हो, इतना पसीना आ गया मुझे। तो ऊपर दिख रहा है वो है केले का पेड़, बीच में पानी का गुल, और सूंगर भी आया है यार यहाँ। तो बीच में पानी का गुल और झाड़ी देख सकते हो। तो मुझे तार के रास्ता बनाना है पहले। तो ये है पानी का गुल और मुझे यहाँ पे बनाना है रास्ता, तब उधर जाऊँगी मैं। वो है केला, तो बना ही लेते हैं फिर रास्ता पहले। फिलहाल मैंने थोड़ा काट दिया है, कहते हैं कि केले के पेड़ को काट देना चाहिए केला काट के। तो यहाँ से काटूंगी मैं इसको, उसी हिसाब से धराती भी लाई हूँ। केला भी ज़्यादा ही है, ये आया है, तो ऊपर भी जाना पड़ेगा शायद मुझे, ऊपर ही से लाऊंगी इसको। तो फिलहाल मैं इसको काट देती हूँ। तो केले के पेड़ में इतना वजन था, थोड़ा सा मैंने काटा है, इतना वो नीचे गिर गया है। तो काट दिया मैंने, अलग कर दिया। अब मैं जाती हूँ ऊपर खेत में। तो भाई साहब इतना बड़ा केला, इतने मोटे और बहुत बड़ा है, पेड़ ऊपर वाले खेत में आ चुका है। बाकी केले के पेड़ ये हैं, एक ये जो मैंने काट दिया है। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा बोझ हो रहा है केले का, ये पूरा बोझ। मैंने सोचा घास काट के भी ले जाऊंगी, लेकिन यही काफ़ी भारी हो रहा है। बाकी इसमें इसके पत्ते रखते हैं और जाते हैं घर। मार खाओगे हाँ दूध के लिए, इनका दूध का टाइम हो गया है। तो केला काट के ले आई मैं घर। उसके बाद वहाँ पानी हो रहा था बहुत खेत में, तो साफ किया, बिच्छू लग गया हाथ में। तो केले मैंने ये अलग अलग कर दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये इनको अब तो छः हिस्सों में मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब इनको पल्ला और डाल देती हूँ, मतलब पकाने डलिया में। कब तक पकेंगे पता नहीं, तो पहले इनको डाल देते क्योंकि मौसम अभी अभी ख़राब हो गया है। तो अभी भी मौसम ख़राब हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ पे बिल्ली आ गई, तो मैं इनको फटाफट से पहले पकौने डाल देती हूँ। और ये वहाँ जहाँ जा रही हूँ वहीं मेरे पीछे पीछे पीछे। तो दोस्तों केले वेले डाल के आ गई हूँ मैं खेत में। यहाँ हो रही है लाल मिर्च, ऐसी है आजकल तो, पहले खेत में ऐसी है, रोज खेत में ही जाना पड़ता है। तो मौसम भी बहुत डरावनी हुआ है, तो यहाँ मिर्च तोड़ने आई हूँ मैं, लाल वाली ऐसे छुपी है ये मिर्च। तो ये है लाल मिर्च, फटाफट से मिर्च तोड़ लेती हूँ क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा है भाई साहब।